मैं आप लोगों को जो वीडियो भेज रहा हूँ वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग रिलेटेड है। आप लोग ध्यान से आराम से ये वीडियो देखिए, जहाँ पर आपको मेरा फेस प्रोबेबली बहुत कम ही नज़र आएगा, लेकिन हम लोग काम निपट लेंगे। पहले याद करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग किसके लिए हम लोग करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एप्लीकेबल है स्पेशली बिल्डिंग बनाना, शिप बनाना, फ्लाईओवर बनाना, ब्रिज बनाना, डैम बनाना। इसमें सर ये जो आइटम आपने बोला है उसके साथ हम लोगों ने जो पहला कोरोना वायरस से पहले जो मेरा हम लोगों का क्लास था उसके साथ इसके क्या अंतर है? प्रोडक्ट बनाने का मतलब है करंट ईयर में आप प्रोडक्ट बनाते हैं और करंट ईयर में उसको बेच देते हैं। अगर अनसोल्ड रहता है मतलब कंप्लीट हो जाता है, अगर अनसोल्ड रहता है तो नेक्स्ट ईयर में बेचेंगे। अगर पार्टली फिनिश रहता है जैसे सेमी फिनिश गुड्स, वो भी नेक्स्ट ईयर में कंप्लीट होगा, नेक्स्ट ईयर में बेच देंगे, नो इशू। लेकिन यहाँ पर ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही ऑन गोइंग है मोर देन 1-2 ईयर्स, 2-3-4 साल तक चलेगा। तो ये तो किसी भी हाल में इस ईयर में बेचेंगे नहीं, मतलब ये WIP हुआ, नेक्स्ट ईयर में भी ये WIP, थोड़ा WIP और भी बढ़ा, मतलब सेल हो रहा है एक ईयर में नहीं, सेल हो रहा है 2-3 सालों के भीतर, 3 रादर कभी कभी 4-5-6 साल भी लग जाता है और उससे ज़्यादा। मतलब एक प्रोडक्ट, क्या उसको प्रोडक्ट बना बोला जा सकता है? नो, ये स्पेसिफिकली प्रोडक्ट कॉस्टिंग नहीं है, ये क्या है? जॉब कॉस्टिंग, वही पर्टिकुलर काम जिसके लिए आपको 1 साल 2 साल 3 साल भी लग रहा है उसका कॉस्ट निकालने के लिए। अगर छोटा काम है तो ठीक है, लेकिन ये तो बड़ा काम है, साइज बड़ा होता है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बड़ा होता है, टाइम भी बहुत लार्ज लॉन्ग पीरियड लेता है। ये सिचुएशन में हम लोग क्या टेक्निक अप्लाई करेंगे? ये सिचुएशन में हम लोगों को कॉस्टिंग में जो कॉस्ट निकालने का तरीका है, प्रॉफिट निकालने का तरीका है, वो थोड़ा अलग है जो हम लोगों ने प्रोडक्ट कॉस्टिंग में नहीं किया था। उसी के लिए हम लोगों को स्पेशल स्किल एंड नॉलेज की ज़रूरत है। इसके लिए हम लोग बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के लिए। क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट? मैंने तो समझा दिया, कॉन्ट्रैक्ट होता है बेसिकली फॉर लार्ज अमाउंट लाइक बिल्डिंग, शिप बिल्डिंग, फ्लाई ओवर एक्सेट्रा। क्या होता है, इसमें क्या क्या पार्ट रहता है, एक एक पॉइंट में आते हैं। हर आइटम को मैंने पॉइंट के ढांचे में डाला है, ऑलरेडी लिख के रखा है, इससे आपका प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ वर्डिंग्स के ऊपर ध्यान दीजिए, लिखने के लिए नोट्स भी आपके पास अवेलेबल है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ जॉब कॉस्टिंग, प्रोडक्ट कॉस्टिंग नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट प्रोडक्ट, कॉन्ट्रैक्ट इज अ जॉब। ये मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड आपसे लेता है, मतलब 1 साल में ये काम जॉब ख़त्म नहीं होगा। 1 साल के भीतर अगर जॉब ख़त्म हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग नहीं कहलाएगा, मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड ले सकता है। कितना सर? हो सकता है 1 ईयर से ज़्यादा, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर और सो ऑन। मेट्रो रेल का ही प्रोजेक्ट ले लीजिए ना, जो तारातला से हो रहा है, कब से शुरू हुआ है, अभी तक चल रहा है, पता नहीं कब ख़त्म होगा। सर प्रॉब्लम क्या है इसमें? पूरा कंप्लीट होने के बाद ही तो अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा। अगर मान लीजिए 10 साल बाद कंप्लीट होता है तो 10 साल के बाद क्या रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे और 10 साल बाद प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे? तो 10 साल क्या खाएंगे, भीख मांगेंगे? तो 10 साल का तो प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, नहीं तो क्या कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर तो हम लोगों का कंट्रोल नहीं रहेगा। यस सर, प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए? कॉस्ट तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, उसमें कोई स्पेशल इशू नहीं है, लेकिन रेवेन्यू तो चाहिए। और आपने तो थोड़ी देर पहले ही बोला रेवेन्यू मतलब क्या है। रेवेन्यू मतलब, रेवेन्यू मतलब हो जाता है सर यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कंप्लीशन। क्या होता है डिग्री ऑफ कंप्लीशन? मैं थोड़ा स्टोरी आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मैंने एक 6 फ्लोर का एक बिल्डिंग बनाने का कंस्ट्रक्शन हमको मिला है और 6 फ्लोर में हर फ्लोर के लिए 20 लाख करके आपको देगा,
तो टोटल 6 फ्लोर के लिए 120 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट। आपने क्या किया, आपको लग रहा है आप हर साल में 2 फ्लोर बना सकेंगे जितना आपका कैपेसिटी है, तो 1 साल बाद 2, 2 साल बाद 2, 3 साल बाद और भी 2 फ्लोर्स, टोटल 6 फ्लोर हो जाएगा। तो नेचुरली कॉन्ट्रैक्टी जिससे आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है वो 6 साल बाद ही आपको कॉन्ट्रैक्ट का पूरा पैसा देगा, लेकिन ये 3 साल आप अपने पॉकेट से तो नहीं करेंगे, कॉन्ट्रैक्टी बोलेगा, आपके साथ कॉन्ट्रैक्टी का एग्रीमेंट होगा, नहीं भाई हम थोड़ा थोड़ा आपको पेमेंट करते जाएंगे। वेरी गुड सर, ये तो अच्छा बात बताया। ये थोड़ा थोड़ा कितना है सर, कितना हम लोग थोड़ा थोड़ा पैसा देंगे, कोई तो बेसिस होगा, मतलब मनगरन कोई बेस तो नहीं हो सकता है, कोई इलॉजिकल बेस तो नहीं हो सकता है। इंडस्ट्री मान के चलता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कंप्लीशन ये पेमेंट होगा। क्या जितना डिग्री ऑफ कंप्लीशन होता है उसका पूरा ही पेमेंट मिलेगा? ना, जितना डिग्री ऑफ कंप्लीशन होता है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट आप पेमेंट कर देते हैं और कुछ पार्ट आप रिटेन करके रखते हैं, अगर काम गलत हुआ तो आप वो पैसा से एडजस्ट कर सकेंगे, वो बात में आता है। लेकिन पहले तो ये बताइए सर, ये डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्या होता है? जैसे मेरा एग्जांपल था, 6 फ्लोर में 2 फ्लोर कंप्लीट हो चुका है, सर्वेयर आएगा, अच्छा ये कौन बंदा है सर? ये बंदा जो वैल्यूएशन का काम करता है, कौन अपॉइंट करेगा? आप भी अपॉइंट कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टी भी अपॉइंट कर सकता है। वो आएगा, पूरा बिल्डिंग का छानबीन करेगा, देख के बोलेगा हाँ 2 फ्लोर कंप्लीट हुआ है। जैसे ही वो सर्टिफिकेशन आपको देगा लिख के कागज़ में, आप वो लेके कॉन्ट्रैक्टर के पास, कॉन्ट्रैक्टी के पास चला जाएंगे टैक्सी लेके, बोलेगा कॉन्ट्रैक्टी भाई, कॉन्ट्रैक्टी भाई आप मुझे पैसा दीजिए। कॉन्ट्रैक्टी बोलेगा अरे भाई पैसा कैसे देंगे, मुझे सर्टिफिकेट दिखाइए, किसका? डिग्री ऑफ कंप्लीशन का। अच्छा तो बहुत मज़े की बात है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन का सर्टिफिकेट। आप अपने बैग से वो डिग्री ऑफ कंप्लीशन का सर्टिफिकेट उसके सामने रखेंगे टेबल में, बोलेंगे देखिए मैंने 2 कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर लिया, मतलब मेरा डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितना हुआ, 6 में 2 कंप्लीट हो गया। अच्छा इसका मतलब 33.33%। कैसे 33.33% सर? अरे भाई 2/6 मतलब 1/3, 2 क्यों, 2 फ्लोर आउट ऑफ 6 फ्लोर। अच्छा फ्लोर के हिसाब से होगा? ना ना, 2 फ्लोर का मतलब क्या है, 1 फ्लोर आपके लिए कितना वैल्यू मायने रखता था, 20 लाख। तो 20 लाख 40 लाख का आपका वर्क का सर्टिफिकेशन आपको मिला और आपका टोटल कॉन्ट्रैक्ट कितना है, 120 लाख का। तो मुझे बोलना पड़ेगा कितना आपने कंप्लीट किया है, कितना कंप्लीट किया है बेटा, आपने कंप्लीट किया है 40 लाख आउट ऑफ 120 लाख, मतलब 33.33%। कैलकुलेटर ले गधो करके देख, 40 लाख बाई 120 लाख, हाँ करके सुन रहा है, 40/120 कितना होता है, 1/3, मतलब 33.33%। तो मैं बोल सकता हूँ मेरा डिग्री ऑफ कंप्लीशन 33.33% है, मैं ये भी बोल सकता हूँ मेरा वैल्यू ऑफ सर्टिफिकेशन 40 लाख है। अगर सिर्फ 33.33% बोल देता है मैं कर सकूँगा, वाई नॉट, 120 लाख के ऊपर 1/3 आप कैलकुलेट करिएगा, देखिएगा 40 लाख ही आता है, मतलब डायरेक्ट भी दे सकता है, इनडायरेक्ट भी आपको दे सकता है। ठीक है सर, समझ गया, दैट इज़ अ डिग्री ऑफ कंप्लीशन, उसी से बेसिस में रेवेन्यू हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। मतलब कॉन्ट्रैक्टर भाई साहब इस साल के लिए 40 लाख को ही रेवेन्यू मान के काम करेगा। 40 लाख कैसे आया था, वो सर्वेयर का चिट्ठी दिया था ना, वो चिट्ठी के बेसिस में उसको पता चला। ठीक है सर, यहां पर कॉस्ट क्या होता है, देखिए MOST मोस्ट ऑफ द कॉस्ट आर क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट है, बिकॉज सभी कॉस्ट तो आप इसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए काम यूज कर रहे हैं, तो ये कॉस्ट क्या हुआ, डायरेक्ट। भूल गए थे सर, डायरेक्ट का डेफिनेशन क्या दिया था, जो जो कॉस्ट
आपका यूनिट के साथ आइडेंटिफाई हो सकता है डायरेक्टली. अच्छा, तो मोस्ट ऑफ सब खर्चा ही क्या आप वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो ये डायरेक्ट कॉस्ट हो गया. लेकिन ऐसा भी तो कुछ कुछ कॉस्ट हो सकता है जो मेरा दो तीन कॉस्ट यूनिट के साथ बटा हुआ है. एग्जाम्पल सर, आपने एक सुपरवाइजर अपॉइंट किया, उसका काम क्या है, वो आपका अंडर में चार बिल्डिंग चल रहा है, तो चार बिल्डिंग में जाएगा, कहीं का कहीं प्रॉब्लम है नहीं है, अगर इश्यू है तो आपको इन्फॉर्म करेगा, तो ये काम करने के भी लिए तो लोग लगेगा. तो ये उसका तनख्वाह जो आप दे रहे हैं साल में 2 लाख रुपया, तो क्या एक बिल्डिंग के लिए दे रहे हैं ना चार बिल्डिंग के लिए दे रहे हैं? चार बिल्डिंग, अगर चार बिल्डिंग है तो एक बिल्डिंग के ऊपर खर्चा चार्ज करना ठीक होगा, बाकी तीन बिल्डिंग ने क्या गुना किया था. यस, तो चार बिल्डिंग में 1/4 1/4 1/4 करके बांट देंगे. इसलिए मैंने क्या लिखा, सम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर टू बी अपोर्शन. इसके बाद आ जाता है कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है. देखिए, मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ, मैं रिपीट नहीं करूँगा, बिल्डिंग, शिप बिल्डिंग, फ्लाईओवर, रोड कंस्ट्रक्शन. ठीक है सर, तो मेरे पास रेवेन्यू का भी कॉन्सेप्ट हो गया, मेरे पास कॉस्ट का भी कॉन्सेप्ट हो गया. अब आ जाता है प्रॉफिट निकालने का सवाल, बिकॉज अल्टीमेट तो प्रॉफिट हुआ ही हम लोगों का ऑब्जेक्टिव है. कैसे निकालते हैं देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिटरमिन, बाप रे बाप, TER नहीं लिखा है, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, स्पेलिंग ठीक करो ना. ठीक ही तो लिखा है, डिटरमिन, वी विल डिटरमिन द नोशन हो गया है, नोशनल होगा, नोशनल प्रॉफिट. तो पहले ठीक करते हैं थोड़ा, नोशनल प्रॉफिट. तो नोशनल प्रॉफिट क्या होता है? नोशनल प्रॉफिट होता है सर वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड माइनस कॉस्ट ऑफ द वर्क सर्टिफाइड. इसका मतलब आपने जितना कॉन्ट्रैक्ट को सर्टिफाई किया है उसके लिए आपने टोटल कितना एक्सपेंडिचर किया है, और जो वर्क्स आपने कंप्लीट किया है, सर्वेयर ने जो इसका सर्टिफिकेशन आपको दिया है उसका कितना वैल्यू आपको मिला है. मान लीजिए हम लोगों का एग्जाम्पल में 40 लाख आपको सर्टिफिकेशन मिला था, दो फ्लोर 20 लाख ईच, तो 40 लाख्स. ओके सर, कितना कॉस्ट इनकर्ड हुआ था सर? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के मान के चलते हैं 25 लाख. तो मेरा 25 लाख क्या हुआ? मेरा 25 लाख कॉस्ट हुआ, मेरा रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज हुआ? 40 लाख्स. ये तो आप लोग बचपन से जानते हैं, 40 लाख से 25 लाख माइनस करने से 15 लाख आता है. सर वेरी गुड, दैट इज प्रॉफिट. गलत, ये प्रोडक्ट कॉस्टिंग नहीं है, सेल से प्रॉफिट माइनस कर दो क्या आ जाएगा, सॉरी, सेल से कॉस्ट माइनस कर दो प्रॉफिट आ जाएगा, बिकॉज प्रोडक्ट कॉस्टिंग में आपको सर्टेन था आपको पूरा पैसा ही मिलेगा. लेकिन यहाँ पर तो पूरा प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट तो अभी भी चल रहा है. राइट सर, एग्जैक्टली. तो ये जो प्रॉफिट आएगा सर उसको हम लोग क्या मानेंगे? इसको हम लोग मानेंगे नोशनल. नोशनल का मतलब रियल में नहीं है, एज इफ मानते हैं ये मेरा प्रॉफिट है. क्या इस प्रॉफिट से बिरयानी खा सकते हैं? नेवर. क्यों? बिकॉज ये नोशनल है, आपसे आउट ऑफ दैट नोशनल प्रॉफिट आपको देखना पड़ेगा कितना प्रॉफिट का बिरयानी खा सकता है, मतलब कितना आप कॉस्टिंग का PL में क्रेडिट कर सकते हैं. क्या पूरा ही हो जाएगा? नहीं, पूरा तो नहीं होगा, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा, टेक्निक सीखना पड़ेगा. क्या टेक्निक करना पड़ता है सर? सिखाऊंगा. कॉस्टिंग में ऐसा बहुत कुछ तरीके में एक है डिग्री ऑफ कंप्लीशन मेथड, जहां पर बोल दिया है प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीशन कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है, वो हम लोग सीखेंगे. बोर्ड में मैंने नहीं लिखा है, नोट्स में है, लेकिन बोर्ड में ग्रेजुअली हम लोग लिखेंगे. क्या लिखा है? प्रॉफिट फ्रॉम द नोशनल प्रॉफिट वी हैव टू कैलकुलेट
द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रिकॉग्नाइज इन द कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस नोशनल प्रॉफिट कहाँ पर जाएगा, प्रोविजन बोल के दिखाएंगे। टेक्निक कौन सा फॉलो होगा, बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ कॉम्प्लीशन। कुछ टाइम तक आप मान के चलते हैं हम लोग डिग्री ऑफ कॉम्प्लीशन जानते हैं। तो मान लीजिए 15 लाख मेरा क्या हुआ, नोशनल प्रॉफिट। सर भूल गए कैसे 15 लाख आया था। अरे वेरी इजी, 40 लाख आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन था, चिट्ठी सर्वेयर लिख के दिया था, टैक्सी में गए थे, लेस आपने जो टोटल कॉस्ट इनकर्ड किया था। कितना टोटल कॉस्ट इनकर्ड किया था सर, टोटल कॉस्ट इनकर्ड किया था 25 लाख। वेरी गुड, तो 25 लाख से आपने क्या करेंगे, 25 लाख 40 लाख से एडजस्ट करने के बाद 15 लाख जो आया आपका नोशनल प्रॉफिट। एग्जैक्टली राइट सर, मान के चलते हैं आउट ऑफ नोशनल प्रॉफिट 15 लाख 10 लाख आप क्या करेंगे, पीएल में लेके जाएंगे। सर ये 10 लाख कैसे आया, मान के चलते हैं एट दैट मोमेंट डिग्री ऑफ परसेंटेज कंप्लीशन के बेसिस में कैलकुलेट करके प्रोबेबली फिगर आया है 10 लाख। ठीक है, मान के चलते हैं, आप कह रहे हैं ना सर हाँ, तो 15 लाख में 10 लाख कहा गया, 15 लाख में 10 लाख गया है कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। गलती से भी उसको फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस मत बोलना, दो अलग चीज होता है। और दूसरा कहाँ गया है, दूसरा गया है प्रोविजन बोल के हम लोग रख देंगे। तो बाकी 5 लाख्स, 15 लाख में 10 लाख गया पीएल में, और बाकी जो 5 लाख बचा रहता है उसको हम लोग कहाँ डालेंगे, उसको हम लोग डालेंगे प्रोविजन में। तो इतना डिस्कशन से ये बात तो पता हो ही जाता है हम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में करना क्या क्या है। एक टोटल कॉस्ट को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके साथ मैंने लिखा नहीं रेवेन्यू को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्यों नहीं लिखा, बिकॉज सर रेवेन्यू तो क्वेश्चन में दे ही देगा, नहीं देगा तब सवाल है। तो मैं लिख सकता हूं डिटरमिनेशन ऑफ टोटल कॉस्ट टू द कॉन्ट्रैक्टिल डेट एंड रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड, बी नोशनल प्रॉफिट 40 माइनस 25 लाख, सी कितना नोशनल प्रॉफिट से आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और कितना प्रोविजन में ट्रांसफर करेंगे, प्रोविजन बोल के रख देंगे। और 4, हम लोगों को WIP का भी वैल्यूएशन कभी कभी करना पड़ता है। तो ये 4 काम हम लोग सीखेंगे, इसी हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग खत्म हो जाएगा। वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक, और क्या एक्सपीरियंस है, जो लाइन जहां पर आपको प्रॉब्लम हो रहा है बार बार आप रिबाउंड करके पॉज करके आराम से देखिए, नोट्स देखिए, आराम से हो जाएगा। मुझे तो लग ही रहा है, एंजॉय द क्लास। तो देखते हैं क्या हो रहा है, नेक्स्ट फेज आएगा आपके लिए डिटरमिनेशन ऑफ कॉस्ट।